नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। मैं हूं राम। दोस्तों, आज हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ही लॉस है जो हम लोग देखे हैं कि 645 को जो हमारे इंडियन मार्केट का बुल बुल जो है बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला सर का जो निधन हो गया है, ये बहुत दुखद समाचार है हमारे पूरे जो है आप कहिए कि शेयर बाजार के लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ उनसे सीखा है। वो एक रियल इन्वेस्टर और ट्रेडर भी थे, वो जमीन से एक जुड़े हुए ट्रेडर थे पूरे। वो जब मार्केट में आए थे तो सबको पता है कि मात्र 5,000 रुपये लेके आए थे, और सबके जो लाइफ में एक स्ट्रगल होता रहता है, जो भी उनकी स्ट्रगल है, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया। तो उनसे जुड़े कुछ फैक्ट हम जानते हैं जो कि हमें अपने लाइफ में भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा दो चीज फैक्टर है कि देखिए, अभी इस भाग दौड़ के जिंदगी में हम क्या करते हैं कि सिर्फ बहुत सारी चीजें सिर्फ पैसे के पीछे या फिर ऐसे जो दुनिया जो सिर्फ बाहरी की दिखावा दुनिया है उसके पीछे हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों में भागते हैं। तो हमें अपने चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने हेल्थ पे, आपको जो मेंटल हेल्थ और दूसरा आप कहें कि हमारा जो है फिजिकल हेल्थ, इस दोनों के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ ही सब कुछ एक लाइफ में जो कहिए कि बैलेंस होता है वो करके लेना चाहिए। ऐसे हम लोग बहुत जो भी हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो भी आते हैं इस मार्केट में, उनके पीछे इनका बहुत कुछ रहता है कि हमें बहुत जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनसे कुछ सीखना होता है, उनके लाइफ स्टाइल में क्या होता है, वो नहीं इंस्पायर्ड होते हैं ऐसे लोगों से। तो हम सब भी इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, जो भी मार्केट लोग ट्रेडिंग करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि एक बहुत ही एक क्लीन नेचर के, और ये हमेशा जो है आपको बाई के ऊपर ध्यान रखते थे। बिग बुल यानी इसीलिए इनको बोला जाता था क्योंकि मार्केट में शॉर्ट नहीं करते थे। इनको लगता था कि मार्केट में जो हमारे क्लाइंट हैं या फिर हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो मार्केट में मैक्सिमम बुलिश रहते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ थे ये मैक्सिमम, ये उनके हित में थे। तो इस प्रकार जितने भी हमारे जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत ही आज का जो है कहिए कि पूरे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत दुख का दिन है, और इसके लिए हम भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे कि जहां भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और बहुत कुछ इनसे हमको इंस्पायर्ड भी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो भी आज सुबह हुआ वो शेयर बाजार के दिग्गज रहकर निधन हो गया था। उन्होंने मुंबई के बीच कैंडियन अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहां से उनकी एक अभी जस्ट उन्होंने अपने अपनी एक फ्लाइट भी उन्होंने एक एयरलाइंस भी आकाशा एयरलाइंस, जबकि अब की देखिए एयरलाइंस के जो भी हैं वो पूरे भी सारे जितने भी घाटा में चल रहे थे कंपनियां, फिर भी उन्होंने एक शुरू किया वहां पे सस्ते में शुरू किया, ताकि हमारे जो छोटे लोग हैं हमारे जिनको उतना नहीं वो भी अपने कर सके। तो उनकी जो भी आप देखें कि हिस्सेदारी या भागीदारी रहा है, लोगों को ऊपर उठाने में रहा है, वो बहुत ही एक कहिए कि सरल स्वभाव के और सरल विचार के थे। जब भी हमारे प्रधानमंत्री साहब से भी मिले तब भी वो एक सिंपल वेशभूषा में थे। तो इतने बड़े होने के बाद आप तो भी उनका क्या है वेशभूषा के साथ बहुत एक पहनावा के साथ, कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं होने दिया कि मार्केट में, तो ये बहुत इनकी सरलता था, एक सरलता के साथ वो लाइफ में जीते थे। तो ओवरऑल सारे भी ट्रेडर बहुत आज दुखी हैं, जितने भी लोग हैं बहुत ही दुखी हैं। उनकी देखिए एक जो यमुना आकाशा एयरलाइंस पर उन्होंने निवेश किया था 40% का हिस्सेदारी, और 72 बोइंग्स और 73 मैक्स विमानों ने की खरीद की थी। राकेश झुनझुनवाला के शेयर बाजार में सबसे बड़े निवेशक में से एक थे ये। अब देखिए इनकी, इन्होंने क्या है चार्टर्ड अकाउंट CA थे, और वे स्नातक करने के बाद शेयर मार्केट में 5,000 रुपए से शुरू किए थे, और आज उनकी लगभग पोर्टफोलियो 43.39 हजार करोड़ की है। तो एक लंबा जर्नी है उनके पीछे, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया इसके पीछे, बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव भी आया जो सब लोग मैक्सिमम जानते हैं। ओवरऑल इनका जो निधन हुआ आप देखिए, उनकी जो है वो आप क्रोनिक किडनी डिजीज के साथ हुआ है, उनका जो है डायलिसिस भी चल रहा था इसी की वजह से हुआ है। तो हमें इसके पीछे देखना चाहिए कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। 62 इज नॉट सो मच एज, अभी आप लोग देखें कितना 70-80 तक जाते हैं, तो ये हमारे जो है स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत क्षति रहा, बहुत ज्यादा नुकसान रहा। और उनकी आप पोर्टफोलियो देखें कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था एक अच्छा खासा उनको रिटर्न
हर एक स्टॉक्स में, अभी इनका भी स्कॉट में है, इसके बाद अनंत राज में है, एग्रो में है, कटक क्रिसिल में है, एडलवाइज में, फोर्टिस में है। सबसे ज्यादा उनका टाइटन उनको एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था, अभी भी रैली से। अब देखिए टाटा टाइटन कंपनी में भी इनका एक अच्छा भी 5.5% 6% है। तो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर, एक नेक इन्वेस्टर थे। तो हम सभी लोग तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जहाँ भी वो आत्मा उनको शांति दे भगवान, और भावभीनी श्रद्धांजलि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश झुंझुनवाल सर आपको इतना हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे अपने स्टॉक्स की जर्नी में और शेयर मार्केट की जर्नी में।